हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? पेपर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट क्या होती है और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो जैसे कि आप मार्केट जाते हो तो एक लिस्ट तैयार करते हो, बेसिकली भी वैसा ही कुछ है। तो हमने एक लिस्ट ऐसे बना लिया, ठीक है? तो जैसे नेम का लिस्ट बना लिया, तो इसमें हम कुछ नाम ऐड करा देते हैं। जैसे कि मान के चलो राज, ठीक है? तो हम ठीक है, तो हमने ऐड करा दिया एंड नाम ले लिया हम, ठीक है? तो ये हमारे कुछ नाम हो गए, वो तो प्रिंट करा के देखते हैं। वो तो प्रिंट करा दिया, नहीं इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे एक लिस्ट बन गया नाम का, ठीक है? तो अब देखिएगा राज सोहन, ये लिस्ट आ गया, तो ये ऐसे डिक्लेयर होता है। नाउ हम मान के चलिए आपको वो किसी इंडेक्स पर वो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। आपको किसी इंडेक्स पर ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मान के चलिए मैंने प्रिंट करा दिया नेम, नेम ऑफ इंडेक्स। किस इंडेक्स पर चाहिए? जैसे फर्स्ट इंडेक्स पर, इंडेक्स पर इधर क्या पड़ा हुआ है? सोहन, ठीक है? हमारा सोहन प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रिंट मैंने कराया और ये सोहन प्रिंट कर दिया, ठीक है? तो इसमें आप नंबर भी ऐड करा सकते हैं, जैसे मैंने ऐड करा दिया 23 43। ओके, तो आप प्रिंट करके देखिए, तो आपका 23 और 43 भी प्रिंट हो जाएगा, समझ गए? तो मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। ओके नाउ अब मैं नंबर का वो बनाता हूँ, नंबर का लिस्ट, ठीक है? मैंने इसमें कुछ नंबर डाल दिए, 23 2 45, ओके 25, ओके। ये नंबर हो गया, लिस्ट बन गया। अब पहले बात करते हैं सॉर्ट के बारे में। अगर हम सबसे पहले यूज करेंगे सॉर्ट फंक्शन, ठीक है? मैं अगर सॉर्ट फंक्शन यूज करता हूँ तो क्या होगा? ये सॉर्ट हो जाएगा। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करा दिया मैंने ना, तो ये प्रिंट क्या करेगा? 1 8 23 25 एंड 45। चलिए देखते हैं, रन कराया, देखिए 1 8 23 25 45, ये इसे सॉल्व करा के दे देगा, ठीक है? नाउ बात करते हैं, अब जैसे कि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो मैंने मिन ऑफ क्या नम डाल दिया, ये मुझे मिनिमम वैल्यू ला के दे देगा। तो मैंने इसको प्रिंट करा दिया, अब प्रिंट, ओके। तो ये फंक्शन क्या करेगा? मुझे मिनिमम लाभ वैल्यू लगेगा, तो मिनिमम क्या है? 1। ये 1 प्रिंट करेगा, देखिए 1 प्रिंट कर गया, ठीक है? तो उसी तरह मैक्स अगर यूज करें, अगर मैं प्रिंट करता हूँ मैक्स, प्रिंट किया मैंने मैक्स ऑफ नम, ये मुझे नम का मैक्सिमम नंबर ला के देगा, जैसे कि 45। ओके प्रिंट करके देखते हैं, 45, ठीक है? तो हम समझ गए शॉर्ट शॉर्ट फंड से, समझ गए मीन, समझ गए मैक्स, समझ गए, ठीक है? मान के चलिए मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है, जो जो हमारा लिस्ट है उसमें कोई वैल्यू ऐड करना है। हम क्या करते हैं? नम डॉट अपेंड का यूज करते हैं। मान के चलिए मुझे ऐड करना है इसमें क्या, मैंने ऐड किया 56, तो ये लास्ट में ऐड होके आ जाएगा। रन करके देखते हैं, ये नहीं हो रहा, और उसको प्रिंट को कराना है ना, और उसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट करा दिया हमने ना, तो हमारा 56 प्रिंट हो जाएगा लास्ट में। ये देखिए 1 8 23 25 45 का लास्ट में 56 ऐड हो गया, ठीक है? तो फिलहाल इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, तो समझ गया आप ना। अब जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, अपेंड करना समझ गया, ठीक है? अब किसी इंडेक्स पर मुझे सेट कराना है, तो अपेंड में तो मतलब ये लास्ट में जुड़ता है, और मुझे किसी इंडेक्स में जैसे कि 1 और 45 के बीच में कुछ ऐड कराना है। मान के चलो मैंने इसमें 5 ऐड कराना है, ठीक है? तो मैं क्या यूज करूँगा? नम डॉट इंसर्ट, ओके। तो मैं इस फंक्शन का यूज करूँगा इंसर्ट, कहाँ मुझे कराना है? ये 0 1 2 दूसरे इंडेक्स पर, दूसरे इंडेक्स पर, और क्या क्या कराना है? जैसे 5, ओके।
मैंने यहाँ इंसर्ट करा दिया और प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं ना। पहले हमारा अपेंड के बाद ये था और इंसर्ट के बाद ये होना चाहिए, तो रन करके देखें फाइव हमारा इंसर्ट हो गया। नहीं हाँ, सेकेंड इंडेक्स पर फाइव इंसर्ट हो गया। ये समझ गए ऐड कैसे कराना है, एंड से ऐड होगा और इंसर्ट से किसी इंडेक्स पर। ठीक है, अब बात करते हैं रिमूव फंक्शन के बारे में। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है हमारा, और कोई ऑब्जेक्ट रिमूव कराना है, जैसे कि मैं रिमूव कराना चाहता हूँ क्या 45। ठीक है, 45 मैंने रिमूव कराया वो प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा दिया हमने अपना नम को। तो मैं कमेंट कर देता हूँ, भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है ना, अब देखिएगा 45 रिमूव हो गया, तो इसमें से लिस्ट में से 45 रिमूव हो जाएगा। ये हमारे लिस्ट में से 45 रिमूव हो गया। ठीक है, जैसे कि आप 25 रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नम डॉट रिमूव 25। ठीक है, रिमूव 25। तो अब रन करके देखते हैं, ये हमारा 25 भी रिमूव हो गया। तो आप समझ गए होंगे, मतलब बड़ा मैं कर देता हूँ, ये देखिएगा। समझ गए, सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब सॉर्ट, ये सॉर्ट कर देगा। ठीक है, मुझे मिनिमम वैल्यू ला के देगा इस लिस्ट का, और मैक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू ला के देगा इस लिस्ट का। ठीक है, और अपेंड का मतलब समझिएगा, कोई आइटम अगर आपको ऐड कराना है तो आप अपेंड का यूज करिएगा। देन आपको कोई इंडेक्स पर इंसर्ट कराना है, जैसे सेकेंड इंडेक्स पर मैंने फाइव ऐड किया तो इंसर्ट का यूज़ करते हैं। फिर रिमूव, रिमूव यूज होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करानी है, बस आप ऑब्जेक्ट डालिए वो रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉप फंक्शन की। पॉप क्या होता है, अगर नम डॉट पॉप करेंगे ये क्या करता है, लास्ट वैल्यू को रिमूव करेगा। तब ये हमारा आंसर क्या था, 185 23 56, ये 56 को रिमूव कर देगा। देखिए नम डॉट पॉप किया और प्रिंट किया हमने नन। ओके, रन करके देखें, ये 56 को पॉप कर दिया। तो यही बेसिक फंक्शन है, इन्हीं का हम यूज करने वाले आगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।